नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू अकेडमी में स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, सबसे कुछ खबरी आपके लिए मिल रही है दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बीच में आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो में लेके आया हूँ दोस्तों, चूंकि एक बहुत ही कुछ खबरी वाला आपके लिए ये वीडियो होगा, क्योंकि आरएस नई भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ी सूचना आई हुई है। वो भी ऑफिशियल जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये जानकारी दी है, जो मुख्य अध्यक्ष है इसके दोस्तों आरपीएससी के, वो कह रहे हैं जैसे कि संजय कुमार श्रोत्रिय जो इसके अध्यक्ष है उनका कहना है कि मैं मेरे काल में एक आरएस भर्ती करवाना चाहता हूँ, नोटिफिकेशन जारी करवाना चाहता हूं। तो विज्ञप्ति कब जारी होगी सारी जानकारी बताऊंगा, योग्यता क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी ये पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार बता दूंगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा ये भी पुराने उसके अनुसार बता दूंगा, क्योंकि बदलाव नहीं होने वाला है, पूरी जानकारी बताऊंगा। ये आपके लिए खुशखबरी का मौका है, अभी तैयारी में जुट जाओ। चलिए मैं पूरी जानकारी पहले आपको अखबार की कटिंग में बताऊंगा, फिर इसकी योग्यता आपको पुराने वाले नोटिफिकेशन में बता दूंगा। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण आपके लिए शानदार ब्रेकिंग न्यूज, लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद जारी हो सकता है आरएस 2024 का विज्ञापन। तो खबर है ये भाजपा सरकार की पहली आरएस भर्ती होगी दोस्तों, भाजपा सरकार की पहली आरएस भर्ती होगी सरकार बनने के तुरंत बाद। खबर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मैं सीधा खबर आपको ले चलता हूँ यहाँ पर, तो इनसाइड स्टोरी आप देखिएगा। चेयरमैन श्रोत्रिय लेना चाहते हैं श्रेय, किस चीज़ का श्रेय लेना चाहते हैं, जो श्रोत्रिय है कौन, संजय कुमार श्रोत्रिय जो कि अध्यक्ष है आरपीएससी के, उनका वो श्रेय लेना चाहते हैं कि मैं भी एक आरएस भर्ती विज्ञापन जारी करके जाऊं, क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, कब होगा वो भी बताऊंगा। सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष संजय कुमार श्रोत्रिय आरएस 2024 का विज्ञापन जारी करने का श्रेय भी लेना चाहते हैं, वे अगस्त के शुरू में आयोग से विदा होंगे। दोस्तों अगस्त के शुरू के महीने में ये जो है रिटायर्ड हो जाएंगे, इसलिए अब ये नोटिफिकेशन जो जारी करेंगे वो आपके जून मतलब 4 जून के बाद, उससे पहले भी जारी कर सकते, उससे 4 जून के तुरंत बाद और जुलाई महीने, जून जुलाई महीने में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, आरएएस नई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन आपकी आंखों के सामने होगा और वो सबसे पहले जानकारी हम बताएंगे आप लोगों को। मुख्य परीक्षा 2023 के साथ नई भर्ती का विज्ञापन भी अपने कार्यकाल में ही जारी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं श्रोत्रिय। तो दोस्तों जो चेयरमैन है अध्यक्ष है आरपीएससी के जो श्रोत्रिय, उनका कहना है कि मैं श्रेय लेना चाहता हूं, मेरे कार्यकाल में एक जो है आरएस का विज्ञापन जारी होना चाहिए, ताकि मुझे भी याद रहे जाते जाते कि मैंने भी केवल एक आरएस भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई थी, और बेरोजगारों का दोस्तों इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों ये भाजपा कार्यकाल की पहली आरएस भर्ती होगी, विज्ञापन शर्तों में किसी भी प्रकार की कमी या आरक्षण संबंधी कोई समस्या आदि परीक्षण किया जा रहा है दोस्तों, अभी से दोस्तों सारा परीक्षण वगैरह करवाया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट वगैरह में कचहरी में जाने का कोई मामला ना रहे, और इसीलिए दोस्तों अभी विज्ञापन जारी करने का पूरा मामला तैयार है एकदम श्रोत्रिय के पास, जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह एग्जाम पैटर्न अभी जान लेते हैं पुरानी विज्ञापन के अनुसार। तो दोस्तों ये 2023 वाला पुराना नोटिफिकेशन है, अब मैं पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार ये आपको योग्यता आयु सीमा बता देता हूँ, क्योंकि योग्यता आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिएगा, बदलाव होता है वो भी मैं बताऊंगा क्या बदलाव होता है, देखिएगा। अनिवार्य योग्यता क्या है, यदि आप आरएस का फॉर्म भरना चाहते हो, आरएस बनना चाहते हो आप दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने बीए कर रखा है, आपने बीएससी कर रखा है, आपने बीटेक कर रखा है, या आपने किसी भी प्रकार की एमबीए वगैरह, किसी भी प्रकार का बीकॉम वगैरह, कोई भी आपने कोर्स कर रखा है एक्स वाई जेड, जिसको बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री बोला जाता है जिसको, ग्रेजुएशन बोला जाता है, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप
कोई मायने नहीं रखता। मायने इतना रखता है बस आपने ग्रेजुएशन कर लिया हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो अंतिम वर्ष में। कौन से वर्ष में? अंतिम वर्ष में, थर्ड ईयर में। जैसे कि आप बीए कर रहे हो तो थर्ड ईयर में, बीटेक कर रहे हो तो फोर्थ ईयर में, ठीक है, फोर्थ ईयर में बीटेक कर रहे हो तो, ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप लोग। ये योग्यता होगी यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु सीमा जो रखी जाएगी यहाँ पर 21 वर्ष न्यूनतम, भाई 21 वर्ष तो होनी चाहिए। कोई कोई सोच रहा सर हमारे 18 साल हो गए हम फॉर्म भर दे क्या? नहीं, अभी आपके पढ़ने का वक्त है, आप और स्टडी कीजिए, अगली भर्ती का इंतजार कीजिए। तो 21 से 40 साल तक के जो युवा है वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें भी कब से कब तक ये काउंटिंग होगी? तो ये 1 जनवरी 2025 के अनुसार, 1 जनवरी 2025 के अनुसार होगी। जैसे 1 जनवरी 2021-24 के अनुसार थी, अब जो वैकेंसी आएगी उसमें होगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार 21 से 40 वर्ष, ये आयु सीमा होगी। उसके अलावा एससी एसटी ओबीसी जो भी महिला है उनमें जो छूट मिलती है वो अलग से कैटेगरी वाइज मिलेगी। वैसे सामान्य की 21 से 40 वर्ष आयु सीमा होने वाली है। तो दोस्तों ये है मामला यहाँ पर आयु सीमा का और किसका, योग्यता का। अब मैं आपको चयन प्रक्रिया बता देता हूँ कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा हमारा, हमें अब मतलब फर्स्ट पेपर कैसे पास करें। तो दोस्तों इसमें दो पेपर होते हैं, इस तो प्री और एक मेंस, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। क्या होता है? थर्ड स्टेज होती है इंटरव्यू। तीन स्टेज होता है, एक तो प्री होता है, एक मेंस होता है जो लिखित होता है, और प्री होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, चार ऑप्शन वाला, और एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये चार एग्जाम पैटर्न, तीन एग्जाम पैटर्न होंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर, तो फर्स्ट पेपर प्री एग्जाम होगा वो आपका दोस्तों जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का आने वाला है, जीएस एंड जीके का पेपर आने वाला है आपका फर्स्ट। इसमें दो चार क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह के भी आ जाते हैं। तो 200 नंबरों का क्वेश्चन होगा, 3 घंटे का पेपर होता है भैया। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबरों का पेपर होने वाला है ये। तो ये आप सोच लो, अब आप तैयारी करनी है आप लोगों को। तो ये इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न होगा। फिर सेकेंड पेपर होगा, उसमें आपका जैसे कि चार पेपर होते हैं। समझ गए बात को आप लोग? वीडियो को शेयर कर दो भाई, आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो आप, जितना भी हो सकता है शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ो। और बता देता हूँ कि प्री एग्जाम आपके 2024 में ही आयोजित करवा दिए गए। ये आरपीएससी का भी मामला देख लीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं देती आरपीएससी। तो 2024 में एग्जाम हो जाएगा अंत तक दिसंबर या फिर 2025 जनवरी तक पहुंच जाए, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून जुलाई में जारी होगा, ठीक है। जून जुलाई में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा आरएस भर्ती परीक्षा का। अब आप यदि अभी तक भी दोस्तों आपने पढ़ने का जुनून नहीं आया है, तो अब दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आज से आप किताब उठा लो और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। धन्यवाद मित्रों।